दोस्तों, आपने मांस खाने वाले जीव जंतुओं को तो देखा होगा, पर क्या आपने कभी मांस खाने वाले पौधों को देखा है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 600 मांसाहारी पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से आज हम 5 सबसे खतरनाक मांसाहारी पौधों के बारे में जानेंगे। मांसाहारी पौधे अक्सर ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पोषक तत्वों की कमी होती है, या उसी कमी को पूरा करने के लिए जीवों को मारकर खाते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पांचवें नंबर के मांसाहारी पौधे से, निफेंटिस। निफेंटिस एक मटके नुमा बनावट वाला मांसाहारी पौधा है। ये पौधा मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। इस पौधे के मटके नुमा मुंह के ऊपर कुछ ग्रंथियां होती है जो द्रवित पदार्थ का निर्माण करती है। ये पदार्थ इन कीटों को आकर्षित करता है। इस कारण कीट पतंगे इस पर आकर बैठ जाते हैं और इसके चिकनाई वाले द्रव में फंस जाते हैं और अपने आप को निकालने की कोशिश में 8 से 9 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। इसके बाद यह पौधा इन कीटों से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। इनकी ऐसी संरचना में कभी कभी मेंढक चूहे जैसे जीव भी फंस जाते हैं। हालांकि यह पौधे अधिकतर छोटे कीट पतंगों को ही अपना शिकार बनाता है। चौथे नंबर पर आता है सारासेनिया। ये पौधा भी नेपेंटिस की तरह ही होता है। इस पौधे की ट्यूब के ऊपर एक छतरी के समान संरचना बनी होती है जो इसके ट्यूब में बारिश के पानी को जाने से रोकती है। ये पौधा एक मीठा तरल पदार्थ बनाता है जिसको पाने की लालसा में अनेक कीट पतंगे इस पर फंस जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आ पाते। इसमें उपस्थित तरल इन जीवों को गलाकर आवश्यक पोषक तत्व चूस लेता है। तीसरे नंबर पर आता है ड्रोसेरा। इस पौधे की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती है। ये यूरोपियन मांस भक्षी पौधा है। इन पौधों की पत्तियां जमीन से लगी होती है जिनके आखिरी सिरे पर छोटे बालों के समान रोम निकले होते हैं जो एक तरल पदार्थ बनाते हैं। जब इन रोम के ऊपर उपस्थित तरल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकने लगते हैं। कीट पतंगे इनसे आकर्षित होकर इन पर आकर बैठ जाते हैं और इस जेली से पदार्थ में उनके पैर फंस जाते हैं और जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं उतने ही उलझ जाते हैं और फिर पत्तियां भी सिमट कर इनको पूरी तरह जकड़ लेती है और इनके पूरे शरीर को पचा जाती है। जब यह इनको पूरा पचा लेती है तब यह वापस खुलकर नए शिकार के लिए तैयार हो जाती है। इस पौधे की कुछ बड़ी प्रजातियां मेंढक छोटे पक्षियों को भी खा जाती है। दूसरे नंबर पर आता है डार्लिंगटोनिया। ये पौधा अधिकतर कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। इसको कोबरा लिली के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की संरचना एक कोबरा सांप के फन के समान दिखाई देती है, इस कारण इसका नाम कोबरा लिली रखा गया। इस पौधे में फन के समान उभार वाली संरचना के नीचे एक छेद होता है। जब कोई जीव इस पौधे पर आता और घूमते हुए उस छिद्र के पास पहुंचता और जब वह इस छिद्र में जाने की कोशिश करता तो वह इस गहरी ट्यूब में गिर जाता जहां से बाहर आना उसके लिए नामुमकिन हो जाता और वह इस पौधे का भोजन बन जाता। पहले नंबर पर आता है डायनाई मस्कीपुला। ये पौधा दिखने में ही बहुत डरावना लगता है। इसकी पत्तियों पर बनी नुकीली संरचनाएं किसी बड़े शिकारी जानवर के जबड़े के समान दिखाई देती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके शिकार करने की प्रक्रिया को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया बाकी पौधों की तुलना में तेज होती है। इस पौधे की पत्तियां किसी शिकार के इंतजार में हमेशा खुली रहती है, वह हमेशा तैयार रहती है। जब कोई इनकी पत्तियों पर आकर बैठता है तो यह तुरंत बंद हो जाती है और तब तक नहीं खुलती जब तक उस जीव को पूरा पचा ना ले। इस पौधे की एक और खास बात है, जब इसमें कोई निर्जीव वस्तु फंस जाती है तब ये पत्तियां वापस खुल जाती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पौधे के पास कोई दिमाग है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक शिकारी पौधे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।